अजमेर के सेंट्रल जेल में लगातार मिल रहे मोबाइल फोन ने जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। सेंट्रल जेल में एक बार फिर 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस संबंध में जेल प्रशासन की शिकायत के बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के सेंट्रल जेल में लगातार मिल रहे मोबाइल फोन की यह संख्या अब 34 पार पहुंच गई है। सिविल लाइंस थाना पुलिस के एएसआई चांद सिंह के अनुसार सेंट्रल जेल की बैरक संख्या 7, 13 और 14 की तलाशी के दौरान लावारिस हालत में 5 मोबाइल फोन, 4 बैटरी और 3 डाटा केबल बरामद की गई है। इस संबंध में जेल के उप अधीक्षक मुकेश भाटी की ओर से एक लिखित शिकायत सिविल लाइंस थाना पुलिस को सौंपी गई है, जिसके आधार पर सिविल लाइंस थाना इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि अजमेर के सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला तभी से जारी है जब से यहां सुमन मालीवाल को जेल अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। जेल अधीक्षक की सख्ती के चलते ही हर दिन जेल की अलग अलग बैरक की तलाशी ली जाती है और नतीजा यदि पिछले 2 सप्ताह की बात की जाए तो जेल प्रशासन द्वारा अलग अलग बैरक से अभी तक 34 मोबाइल फोन के साथ ही मोबाइल फोन की बैटरी, चार्जर और डाटा केबल बरामद हुए हैं। इस संबंध में सभी मुकदमे सिविल लाइंस थाना पुलिस में दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा इन मोबाइल फोन में काम में ली गई सिम के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जेल में बैठे अपराधी इन फोन्स का उपयोग किस तरह कर रहे हैं। जेल में लगातार मिल रहे मोबाइल फोन की वजह से जेल की सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो रहा है और उसी के साथ अंदेशा इस बात का भी है कि जेल में बैठे माफिया इन मोबाइल फोन के माध्यम से बड़ी वारदातों को जेल में बैठकर ही अंजाम देते हैं। मामला है और क्या दर्ज हुआ? कल दिनांक 7/12/21 को श्री मुकेश भाटी उपाधीक्षक केंद्रीय कारागृह अजमेर से एक लिखित टाइपशुदा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें जेल के वार्ड नंबर 7, 13 और 14 की सघन तलाशी ली गई। सघन तलाशी के दौरान तीनों वार्डों में 5 मोबाइल, 4 बैटरी और 3 डाटा केबल मिली है। रिपोर्ट पर थाना अदा पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी है। आपका परिचय? चांद सिंह, एएसआई थाना सिविल लाइन।